हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो चैप्टर 4 है उसका आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या कहा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, एक रेक्टेंगुलर इस तरह की पार्क बनाना जिसकी जिसका पेरीमीटर जो है पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया कहा जाता है कि इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो आप बताओ कि इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी ब्रेड्थ क्या होगी। देखो, हमें ना ही पता लेंथ है ना ही पता ब्रेड्थ है, तो हमें इतना पता है कि इसकी लेंथ कहा इसका पेरीमीटर कहा जाता है कि 80 है और इसका एरिया कहा जाता है कि 400 मीटर स्क्वायर है। इसी में से हमारा आंसर आएगा। हमारी लेंथ नहीं पता नहीं ब्रेड्थ, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि चलो भाई लेंथ को हम ले लेंगे l, क्या लेंगे l, और ब्रेड्थ को ले लेते हैं b, L और B ले लेते हैं, हमें यहीं से लेंथ और ब्रेड्थ भी मिलेगी। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ बी L एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो भाई लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ है L और ब्रेड्थ है B मीटर, मीटर्स में लेना B मीटर। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली हमने डायमेंशंस ले लिए। ठीक, और कहा क्या जाता है, कहा जाता है गिवन गिवन पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर, यही है ना, 80 मीटर है ना पेरीमीटर गिवन। लेकिन हमें पता है कि पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वही होता है ना, और वही 80 के बराबर है, वही किसके बराबर है, 80 के बराबर। अब इस लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐसे ही रखेंगे, 80 को भी ऐसे ही 2 इस साइड में डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 40, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ रहा है किसके बराबर, 40 के बराबर, किसके बराबर, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ रहा है 40 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करेंगे, हम लेंथ को ऐसे ही रखेंगे, लेंथ को हमने ऐसे ही रखा और 40 को भी ऐसे ही रखेंगे, ये ब्रेड्थ जो है पॉजिटिव है, इस साइड जाने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगी, लेंथ याद रखना यहाँ पे लेंथ हमने 40 माइनस बी के बराबर, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो लेंथ हमने निकाल ली 40 माइनस बी मीटर, इतने मीटर, इतने मीटर। और क्या कहा जाता है, ऑल्सो और कहा जाता है एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, यही है ना, यही कहा जाता है ना। लेकिन एरिया हमें पता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कहा जाता है 400 के बराबर है। लेकिन लेंथ देखो अभी हमने क्या निकाली, लेंथ हमने निकाली 40 माइनस बी, यही निकाली ना हमने, लेंथ यहीं पे निकालनी है और यहीं पे लिखना है। ठीक है, और इनटू क्या है, इनटू है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमने किसके बराबर ली हुई है, ब्रेड्थ हमने ली हुई है बी के बराबर, तो ब्रेड्थ का हम लिख लेंगे बी इक्वल टू वो है 400 के बराबर, किसके बराबर, 400 के बराबर। आगे हम देखेंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, वो कैसे मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम निकला तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको 40 इनटू b होता है 40b माइनस b इनटू b होता है b स्क्वायर और इज इक्वल टू वो किसके बराबर, 400 के बराबर। तो माइनस बी स्क्वायर को पहले लिखेंगे, प्लस 40b को बाद में लिखेंगे और 400 इस साइड में आएगा तो माइनस बनेगा, इस साइड बचेगा खाली 0। अब बी स्क्वायर जो यहां पे माइनस है इसके साथ तो थोड़ा अजीब लग रहा है, माइनस से बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर से मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 40b और ये बन जाएगा प्लस 400 और ये आ जाएगा 0 के बराबर और ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी में से इसी इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया या 0 से ज्यादा आया तो कोई ना कोई रूट होगा और हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे नाउ डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी का वैल्यू दीजिए, बी क्या है यहां पर, बी है माइनस 40, बी है क्या, b है माइनस 40 इसी का स्क्वायर और माइनस 4a, a क्या है यहां पे, a है b स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है जिसका कुछ ना हो उसका 1 होता है, और c क्या है, c है 400। चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 40 इनटू 40 माइनस तो स्क्वायर से प्लस बन जाएगा और 40 इनटू 40 क्या होता है 1600 होता है ना, 1600 शाबाश, माइनस 4 1 से होता है 4 इनटू 400 400 चार बार कितना होता है, वो भी होता है 1600 माइनस 1600 क्या होता है, वो होता है 0, 1600 माइनस 1600 होता है 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है, देयरफॉर ऐसे लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आए तब दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, दो इक्वल रियल रूट्स, वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक बार एक वीडियो में बताया हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एज द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 दैट गिवन सिचुएशन has two equal roots
एंड द सिचुएशन इज पॉसिबल, एंड द सिचुएशन इज पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हो, एज द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो द सिचुएशन इज पॉसिबल एंड हैज टू इक्वल रूट्स. अब वो दो इक्वल रूट्स हमें फाइंड करने, कैसे कैसे, देखो दो इक्वल रूट्स हम, मैंने आपको एक बार बोला भी था, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए से निकलते, किसे, माइनस बी डिवाइडेड बाई टू ए. तो चलो भाई माइनस माइनस की जगह बी, बी का वैल्यू क्या है माइनस फोर्टी, बी का वैल्यू है माइनस फोर्टी, लिख लेते हैं माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई टू ए, टू ऐसे ही, ए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू कुछ नहीं है, तो जिसका क्वेश्चन पूछना उसका होता है वन, ठीक, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा फोर्टी, फोर्टी ठीक है, और डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टू, वन से होता है टू, फोर्टी डिवाइड बाई टू, फोर्टी को टू से डिवाइड करेंगे तो आएगा ट्वेंटी, क्या आएगा 20. तो B का वैल्यू क्या आया, B का वैल्यू आया 20, B का वैल्यू आया, तो B क्या लिया होता हमने, B हमने ब्रैकेट ली हुई थी, ठीक है, इक्वेशन में B है, तो B इज इक्वल टू B माइनस B डिवाइडेड बाय 2A, माइनस B डिवाइडेड बाय 2A, तो ये B का वैल्यू आएगा 20, ब्रैकेट अगर 20 है तो बताओ अब लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, जब हम ऐसे ही निकालेंगे, लेंथ हमने ली हुई है 40 माइनस B, तो क्या निकलेगी लेंथ, लेंथ निकलेगी ना 40 माइनस B, यानी कि 20 माइनस 40 माइनस 20, तो लेंथ भी होगी 20, क्या होगी 20, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये एक स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर होगा, हम ऐसे लिखेंगे, मैं यहां पर लिखा देता हूं, यहां पर लिख लेना, दियर फोर लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ होगी ना एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 क्या आएगा, एल इज इक्वल टू 20, लेंथ भी आएगी 20, लेंथ भी आएगी 20 और ब्रेथ भी आएगी 20, तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल जो है ये स्क्वायर भी है,